हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चेरी ब्लॉसम फार्म टूर। तो आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ बहुत ही डेडिकेटेड ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लॉसम फार्म में, जो कि मेरे घर से 45 मिनट दूरी पे है। तो चलिए, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं चेरी ब्लॉसम फार्म में। हाय एवरीवन, आई एम पूजा और आज मैं आपको लेके आई हूँ ये चेरी ब्लॉसम फार्म में। और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ये सब आपके साथ शेयर करने का चांस मिला है। और हाउ ब्यूटीफुल, यहाँ मैं ऐसे वॉक कर रही हूँ तो इतना सुंदर फ्रेग्रेंस और एक अलग ही महक आ रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इतनी शांति, इतना पीस, जैसे समटाइम्स ऐसे लगता है ना कि हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो कुछ अच्छा किसी के साथ बात करके अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी ना कुछ देख के भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे अब लग रहा है कि ये देख के, मतलब मुझे ऐसे देखने का ही मन कर रहा है कि मतलब मैं एक एक मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ, एक एक मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ। लुक एट द व्यू गाइस, देखिए देखिए क्या है ये। तो अभी सुंदर से फार्म में हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, फोटोज़ निकालेंगे। और फ्रेंड्स, चेरी ब्लॉसम सिर्फ दिखने में ही स्टनिंग नहीं है, बल्कि कई कंट्री में ये कल्चरल सिग्निफिकेंस है, पर्टिकुलरली जापान में। आपको तो पता ही होगा कि चेरी ब्लॉसम नेचर चेंज होने का साइन भी है। जैसे ब्लॉसम स्प्रिंग आ जाता है तो समर स्टार्ट हो जाता है, ठंड थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। मतलब मुझे तो, अब मैं ये फार्म में हूँ तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं एक मिनट भी वेस्ट नहीं करूँ। मैं यहाँ जितना भी टाइम हूँ तो मैं ये मोमेंट को फील करूँ, यहाँ का जो ये फ्लावर्स का स्मेल है। और ये देखो नीचे नीचे देखो कितना ब्यूटीफुल। मुझे लगता है फ्लावर की केयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस और एक्सपर्टीज की ज़रूरत लगती है। उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है, वाओ, सच में मैजिकल, लिटरली यार। ये देखो कितना सुंदर, मतलब मुझे देख के आपको क्या लग रहा है। गाइस, चेरी ब्लॉसम फार्म में वॉक करके ना मुझे ड्रीमी लग रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है कि मैं ड्रीम में हूँ। देखिए, एवरीवेयर इज़ अ ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम, इट्स रियली ट्रूली मैजिकल। हाँ, मुझे सच में ऐसे लग रहा है कि मैं ना कोई सपना ही देख रही हूँ और सपने में से आप सबके साथ ही चेरी ब्लॉसम का वीडियो शेयर कर रही हूँ। मतलब इससे सुकून वाला पल कौन सा हो सकता है, इससे सुकून और क्या ही हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
और गाइस मुझे ना यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था और थोड़ी देर रुकते हैं ना, और थोड़ी देर रुकते हैं ना, क्योंकि इतना अच्छा इतना सुकून फील हो रहा था ना यहाँ, और थोड़ा वार्म ऐसे एयर भी आ रही थी क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ठंड कम हो गई है, तो एकदम ऐसे कंफर्ट लग रहा था और बिल्कुल शांत सुकून, आजू बाजू में कोई नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि और रुकते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, ऑलरेडी हमने 1-1.5 घंटा यहाँ टाइम स्पेंड किया है, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए हैं, बहुत सारे वीडियोस लिए हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ आने का चांस मिला है, और उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी है कि मैं ये सब आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और आप फीडबैक भी दे सकते हो कि और मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ वीडियो में। तो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। बाय बाय।